मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ हमारी सिस्टर्स, माए, बहने, नौजवान, बुजुर्ग सब लोग आए। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जानते हैं लोकसभा इलेक्शन की सब कुछ वो स्टार्ट हो गया, इलेक्शन आने वाले। मैं यहाँ आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। मैं सियासतदान वैसे नहीं हूँ, इसलिए जो भी मैं बोलती हूँ मैं कोशिश करती हूँ सच बोलूँ और दिल से बोलूँ। मुझे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है देखने वाले, तो मैं आपसे कुछ चीजें बोलना चाहती हूँ। आप जानते हैं 2019 के बाद यहाँ कैसे, जब से आर्टिकल 370 हटा यहाँ पकड़ धकड़ का माहौल है। हमारे कितने सारे नौजवान लड़के, मुझे कहा गया है कि बच्ची में भी कम से कम हजारों की तादाद में जेल में हमारे नौजवान लड़के सड़ रहे हैं कि नहीं। यूएसए में, यूएपीए में वो अभी भी जेल में है पिछले 5-6 सालों से और उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ हमारे बच्ची में फूड ग्रोअर्स भी हैं। आप जानते हैं मुफ्ती साहब ने आपके लिए कितना किया, मंडियां सेटअप की, जो टोल टैक्स था वो हटाया, लेकिन और जो हमारी लेडीज जो प्रॉपर्टी खरीदती थी जब महबूबा जी का दौर था एज चीफ मिनिस्टर, उनने वो प्रॉपर्टी टैक्स इन्हें एग्जेम्प्ट कराया, फिर से वो लग गया है। तो पीडीपी के लिए साउथ कश्मीर हमारे दिल के बहुत करीब है और हमने हमेशा कोशिश की है कि जो यहाँ के लोग हैं उनकी हम डेवलपमेंट करें। लेकिन आप लोग जानते हैं 2019 के बाद जब से 370 हटा तब से यहाँ खौफ और डर का माहौल है कि नहीं। बिल्कुल। और इन 5 सालों में वाहिद एक सियासतदान है जिनने जम्मू कश्मीर की बात लगातार की है। जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, टेंशन में थी, उनको जेल में रखा। तो जैसे यहाँ के बाकी सियासतदान है उनने बीजेपी के साथ एक अग्रीमेंट किया। अग्रीमेंट क्या था कि जब आप हमें छोड़ेंगे हम 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। और महबूबा जी को बार बार ये लोग बोलते गए मरकजी सरकार वाले कि महबूबा जी हम आपको छोड़ेंगे, लेकिन एक शर्त पे। वो शर्त क्या थी कि आप जबान पे ताला लगाएंगी, आप 370 के अगेंस्ट बात नहीं करेंगी एब्रोगेशन के खिलाफ। महबूबा जी ने बोला आपको दिनों साल मुझे जेल में रखना, आप रखिए। लेकिन महबूबा जी उनकी बात नहीं मानी। उनने कहा आपको मुझे जितनी देर जेल में रखना है रखो, लेकिन आपने जो 370 हटाया हम उसके खिलाफ बात करते रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, वो जमात जिसने आप लोगों को इखवान टास्क फोर्स कोटा से बचाया कि नहीं। 2000 में जब आप लोग, हमारी माए बहने घर से निकल नहीं पाती थी, जो हमारे जेंट्स थे वो सर झुका के आर्मी के सामने जाते थे। क्यों? आर्मी वाला कहता था फिरत निकालो, टोपी निकालो, दस्तार निकालो, इज्जत हमारी नीचे मिट्टी में मिलाई, तब आपको इस जमात ने बचाया। लेकिन वो जमात मरकजी सरकार ने कांच की तरह टुकड़े टुकड़े में तोड़ डाली। क्यों तोड़ी? वो जमात जो